आज पहली बार पाकिस्तान आ रही हैं। मलाला निजी एयरलाइन की परवाज EK614 से रात 1:25 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। मलाला के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद भी उनके हमराह होंगे। पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारों की जानिब से मलाला को बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे सगीर से। सगीर आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, उनका नोबल इनाम पाने वाली मलाला यूसुफजई आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंच सकती हैं और उन्हें इत्तला है कि वो आज दुबई के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचेंगी। ये मुसद का इत्तला है ज़राए की जानिब से और ये भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से उनको जो भी जहां पर उनका स्टे होगा उनको बॉक्स सिक्योरिटी मिलाया जाएगा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उन्हें सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उनके साथ उनके वालिद और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद होंगे और यहां पर उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। 9 अक्टूबर 2012 को जब मलाला यूसुफजई पर तालिबान का हमला हुआ था तो वो शदीद जख्मी हुई थी और उसके बाद वो बैरून मुल्क इलाज के लिए उनको मुंतकिल किया गया था। उसके बाद मलाला यूसुफजई का ये पहला पाकिस्तान का दौरा है और पहली दफा वो पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान आने के बाद वो अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। तो इलाज ये है कि आज रात किसी भी वक्त वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं और फिर उनको बॉक्स सिक्योरिटी में सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहां से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और इसके बाद उनका मुलाकातों का शेड्यूल है वो कदक भी तय है। लेकिन इस हवाले न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे DNA।